आप लोगों को लॉटरी लगेगी अगर सही में ये 50 मेमा आता है, बराबर ना। अभी चांसेस ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये 100% आएगा, क्योंकि यहां पे निफ्टी इंडाइसिस, देखो लॉन्ग चार्ट या आपका पिछले साल का लो है, निफ्टी की आदत नहीं है लो लगाने की, पर ये टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट सब लो लगा के बैठे हैं। बट बैठे है कि नहीं, कौन सा लो? ईयरली लो लगा के बैठे हैं मेजोरिटी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। तो दुनिया के बाजार आपके बाजार को नीचे खींच रहे, ईयरली से पहले क्वार्टरली आता है। मैं यहाँ पे क्वार्टरली कैंडल कर देता हूं, 3 मंथ। देखो अभी हम किधर आ गए हैं, मैं कितने समय पे ये लेवल आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। कौन सा लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखो ये पहले से लिखा हुआ है ना, कितना है ये, 16856। ये क्या, कौन सा लेवल है ये बोलो? ये वाला है, दिस इज क्वार्टरली लो। देखो यहाँ पे पिछले क्वार्टर का लो कितना है, 16856। तो दुनिया आपको नीचे खींचेगी, पर जब तक आप 16856 के ऊपर हो तब तक ये सोचो कि यस करेक्शन लिमिटेड है। अगर बाजार 16856 ब्रेक करता है तो क्या दोस्तों, अगर बाजार क्वार्टरली लो तोड़ता है तो आपके 2-3 क्वार्टर गए, बराबर। ये जो जगह है इधर तक आप उम्मीद करो, बराबर है। अभी आने वाले 1 हफ्ते के लिए ये नहीं देखना है नीचे कितना, अभी खाली क्वार्टरली लो ट्रैक करना है, क्योंकि बाजार इतना जल्दी ये 16856 तोड़ेगा नहीं, और तोड़ेगा तो बाजार और समय तक करेक्शन में रहेगा, राइट। सो दिस इज द रीजन, ये सब लेवल आप देखोगे तो आपको कम से कम पता रहेगा, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई इंडेक्स ने ईयरली लो तोड़ा, जैसे इंटरनेशनल मार्केट है, इंडियन मार्केट क्वार्टरली लो तोड़ रहा है, तो आप तो यही कहोगे कि इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। जब दुनिया पूरी ईयरली लो के नीचे बैठी, हम कम से कम क्वार्टरली लो पे बैठे, तो स्ट्रेंथ है दोस्तों। सबसे पहले चलेगा वापस से आपका इंडिया, राइट। तोड़ रहा आप बोल रहे हो, मतलब आपको क्लोज करने का है, या एक एक दिन भी अगर नीचे चला गया उसके 16856 के, एक दिन भी अगर जाता है, लो लगाता है, तो वो अच्छी बात तो नहीं, बराबर की नहीं। अगर आपका ये लोन लगा, इसका मतलब एक चीज तो है, आप अगले क्वार्टर में क्या बोलोगे कि निफ्टी ने ये महीना लोवर लो लगाया, वो तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे आप, राइट। तो लो लगाना ही नेगेटिव चीज है, पर अगर लो के नीचे क्लोज रहता है तो बड़ा नेगेटिव। देखो यहां पे क्या हुआ था, ये आपका क्वार्टरली लो, ध्यान से देखना, क्वार्टरली लो, ये महीना नया लो लगा, पर नीचे से बाइंग ऐसा आया कि क्लोज लो के ऊपर रह गया, तो हम ज्यादा अफेक्टेड नहीं। ये क्वार्टर अगेन हमने नया लो लगाया, लगाया, देखो कंटिन्यू 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर निफ्टी ने नए नए लो लगाए, पर दोनों ही क्वार्टर हम क्लोज किधर हुए, प्रीवियस क्वार्टर के लो से ऊपर। तो मतलब ये कहता है कि आप में गिरावट ज्यादा नहीं, लिमिटेड गिरावट है, बराबर। तो आपको पता कब चलेगा, 30 तारीख, कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि बाजार कितना स्ट्रॉन्ग है, आने वाले 6 महीने की रणनीति बन जाएगी। अगर लो के नीचे क्लोज तो वीक, अगर लो के ऊपर क्लोज तो स्ट्रेंथ वीकनेस में भी है, बराबर। फंडामेंटल्स जो आपकी कंट्री के हैं ये बिल्कुल वीक नहीं है, वीकनेस कहां पे है, खाली एक मानसून में जो अभी 3 महीने बाद आने वाली, वो भी एस्टिमेटेड। वीकनेस किधर है, इंटरनेशनल मार्केट, राइट। तो इसको ट्रैक करो और मेरे को बोलना, आप लोग ग्रुप में लिखना, 16856 अगर तोड़ता है तो भी ग्रुप में लिखना, बराबर ना। सर ये आपने, सर ये आपने कौन सा वर्ड यूज करा, मन, मेरे को समझ नहीं आया कि वो वीक है। हेलो, मानसून सर, मानसून। अच्छा मानसून, मानसून, ओके। हाँ अभी प्रेडिक्शन आया ना यूएस की ओर से, नहीं आया मानसून का कि भी अल नीनो की इस साल इफेक्ट रहेगी, राइट। तो अल नीनो की इफेक्ट रहती है, ये क्या है कि आपके मानसून को वीक, मानसून वीक मतलब प्रोडक्शन वीक, मतलब अभी जो इस साल वैसे भी देखो गेहूं की उपज कम है हमारे कंट्री की,
राइट, इन्फ्लेशन में वो ऐड कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। और अगर मनसून वीक रहता है तो इन्फ्लेशन जो हम घटने का सोच रहे फिर तो वो और बढ़ सकता है, राइट। तो मानसून एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर रहता है। लास्ट तीनों साल बहुत अच्छे रहे हमारे, राइट। मानसून अच्छा रहने से रूरल में डिमांड अच्छी रहती है, क्योंकि अपने 90 करोड़ पॉपुलेशन 140 करोड़ में से गांव में है, और इनकी रूरल इकोनॉमी से इनका बहुत बड़ा लेना देना है, राइट। तो देखेंगे अभी कैसा रहता है मानसून, पर फिर भी इससे स्ट्रेंथ जो आपकी कंट्री की है वो वीक नहीं होती है। जो करेक्शन आएगा तो वो लिमिटेड है, जैसे हम यहाँ पे करेक्शन देख रहे हैं, हम जो करेक्शन मोड में है कि आप 50 मेमा के करीब इसको एक्सपेक्ट करोगे। देखो ये भी थोड़ा ऊपर आ जाएगी और करेक्ट होते होते इधर आएंगे, तो समझो आपको और कुछ महीने मिलते माल इकट्ठा करने के लिए, बराबर। जो मौका मिलता है वो मौके को यूज करो। चिंता खाली ट्रेडर को होती है, जिनको आज के आज शेयर चलनी चाहिए वो लोग अभी बिल्कुल नशे में होंगे, एकदम नशे में, मतलब पूरे नशे में कि अरे यार मेरा क्या होगा, मैं तो फ्यूचर लेके बैठा हूं, राइट। जो वेल्थ क्रिएटर है, जो माल इकट्ठा कर रहे, ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ने। जब लोग ज्यादा डरे होंगे, ये शब्द देख लो एक बार आप डायरी में लिख दो, फियर। जितना ज्यादा फियर होगा बाजार में, लोग जितने ज्यादा डरे हुए होंगे, उतना आपको सस्ता माल मिलेगा, सस्ता। तो वेल्थ क्रिएटर क्या करते हैं, लोग जब डरे हुए होते हैं तब वो माल लेते ताकि उनको सस्ता मिले। आप देखोगे कुछ ही समय में ये फियर लालच में कन्वर्ट हो जाएगा। अचानक बाजार चलेगा और लोग ये डर भूल जाएंगे और लोग जो भाव होगा उस पे लेने को आएंगे, राइट। तब सब महंगा मिलता है, वो समय हमारे काम का नहीं, बराबर है। डिस्क्लोजर, दिस अपडेट इज फॉर एजुकेशन पर्पस, वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर।